तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर गाइस आप जो है अपने आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन कराए हैं, कुछ भी सुधार कराए हैं और आप जो है उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि वो जो हमने करेक्शन कराया था वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है या नहीं हुआ है, तो कैसे कर पाएंगे, वो भी आप जो है अपने आधार कार्ड के जो न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है उस पर जो है आप जो अपने आधार कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे और आप जो है आधार कार्ड का अपडेट स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे कौन कौन से डिटेल वहाँ पे फिलअप करना पड़ता है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो गाइस बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और गाइस इससे पहले चैनल पर जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो देन गाइस आते मैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जान सकेगा गाइस यहाँ पे जो है आधार कार्ड का अपडेट स्टेटस चेक करने के लिए गाइस यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले करना क्या होगा। तो सो गाइस इसके लिए चलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं आपको हर चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ और यहाँ पे एक आधार कार्ड का स्टेटस यहाँ पे अपडेट स्टेटस चेक करके भी दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सो गाइस अभी जो है हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और साइड में जो है आपको जो हमने मोबाइल की स्क्रीन दिखाई देगा। तो देने की सबसे पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो आपको आधार स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो सो गाइस जब भी आप जो आधार सेंटर पर जाते हैं वहाँ पे जो भी चीज़ आप अपडेट करवाते हैं तो वहाँ से जो है गाइस आपको जो कुछ इस टाइप का साइड में आपको दिखाई देगा, आपको जो इस टाइप का एक रिसीविंग मिलता है जहाँ पे जो है गाइस आपका जो इनरोलमेंट नंबर दिया रहता है। तो सो गाइस यहाँ पे जो सबसे पहले आपको जो उस रिसीविंग की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको जो है आपके आधार सेंटर से मिला होगा जहाँ पे भी आप जो है आधार कार्ड अपडेट कराए होंगे। तो गाइस अगर आपके पास ऐसा रिसीविंग है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको जो अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा, और क्रोम ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना होगा UDAI, सिंपली आपको उदय सर्च करना होगा UIDAI, सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना होगा UIDAI उदय। सिंपली आपको सर्च करने के बाद सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा, ये वाला सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा, सिंपली आपको जो इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही गाइस आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो गाइस यहाँ पे जब आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के दिखाई देगा, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो गाइस यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपको चेक आधार स्टेटस, यहाँ पे देख सकते हैं चेक आधार स्टेटस करके आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेक आधार अपडेट स्टेटस यहाँ पे। तो सिंपली जो है आपको जो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो गाइस आप जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा इसके जो न्यू पोर्टल हुआ लॉन्च हुआ है आधार कार्ड का, उस पर आप रीडायरेक्ट हो जाएगा एम आधार के पोर्टल पर। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करिएगा तो गाइस यहाँ पर जो आपको एक देन गाइस यहाँ पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करिएगा तो गाइस यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गाइस आप इस पर क्लिक करिएगा यहाँ पे जो है ये पेज जो है रिफ्रेश होगा और यहाँ पे जो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूछेगा एंटर और इनरोलमेंट एंड SRN नंबर, तो सिंपली आपको जो यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। इनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता दूँ, तो देन गाइस मैं आपको बता दूँ कि इनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा। इनरोलमेंट नंबर गाइस आपको जो रिसीविंग मिलागा उसी पर जो है गाइस यहाँ पे जो है 14 डिजिट का जो है आपको जो है यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे देखने को मिलता होगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले आपको करना होगा कि इस इनरोलमेंट नंबर को जो वहाँ पे जो आपको लिख लेना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर लिख लेता हूँ, उसके बाद जो आगे प्रोसेस बताता हूँ। देन गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे जो अपना जो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डाल दिया सक्सेसफुली, उसके बाद जो होगा इस इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद भी आपको यहाँ पे एक चीज़ और डालनी होती है। आपको जो है यहाँ पे जो है आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे आपके रिसीविंग पर ही आपको जो है डेट लिखा रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है साइड में देखिएगा यहाँ पे डेट लिखा रहता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है इस टाइप से जो है यहाँ पे डेट लिखा रहता है कि आप जो है कब जो है आधार कार्ड जो अपने अपडेट कराएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है कि जो यहाँ पे डेट लिखा होगा तो सिंपली आपको जो है उस डेट को जो है यहाँ पे आपको उल्टा लिखना होगा, मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे जो मेरे में लिखा है 02/02/12/2021, ठीक है। तो सिंपली आपको जो है इस डेट को जो है उल्टा लिखना होगा वहाँ पे, लिखना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जो यहाँ पे लिखना होगा 2021 और उसके बाद जो है मंथ लिखना होगा, कौन सा मंथ 12 और उसके बाद 02, मतलब इसको जो उल्टा पलट कर लिख देना है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखना होगा आपको, वहाँ पे था उल्टा लिख देना है, सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है सबसे पहले 2021 12 और 02।
तो मैं आपको ये बात आपको एक बार और समझा दूँ कि जैसे मान लीजिए आज का डेट है 1/4/2022, तो सिंपली आपको जब यहाँ पे आप अपना डिटेल यहाँ पे फिल कर लें, इनरोलमेंट नंबर डालें, उसके बाद जब डेट लिखने के बारे तो आपको जो भी आपके रिसीविंग पर लिखा होगा उसका उल्टा डालिएगा, ठीक है। मतलब उल्टा सबसे पहले आपको ईयर डालना होगा, उसके बाद आपको मंथ, उसके बाद आपको डे, मतलब किस दिन, ठीक है। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो यहाँ पे अपना डेट डाली है, डेट डालने के बाद गाइस यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ और लिखा रहता है, टाइम यहाँ पे लिखा रहता है, ये जो टाइम यहाँ पे लिखा है 14/8/34, तो जो जैसा टाइम लिखा रहता है वैसा आपको टाइम सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना, टाइम में छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल आपको डेट में उल्टा लिखना है और टाइम जैसा होगा वैसा आपको यहाँ पे लिख देना है सेम टू सेम। जैसे यहाँ पे लिखा है 14/8/34, तो सिंपली यहाँ पे मैं आप लिख सकता हूँ 14/8/34 ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सभी डिटेल यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, तो यहाँ पे इसको काउंट करिएगा, तो टोटल जो है इसी जो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखा होगा आपको 14 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होगा, उसके बाद डेट और टाइम मिलाकर टोटल जो यहाँ पे 28 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप जो है अपना डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली और सही सही फिलअप कर लें, उसके बाद गई यहाँ पे जो आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा, ये वाला कैप्चा नीचे आपको सेम टू सेम कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देना, जैसे कि हम यहाँ पे अपना कैप्चा फिलअप कर लेते हैं और एक सी 4 MF कैप्चा फिलअप करने के बाद सिंपली आपके जो सबमिट वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, सबमिट वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको इस सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस सबमिट पर क्लिक करेगा तो गाइस यहाँ पे जो है ये थोड़ा वेटिंग लेगा, सर्च लेगा, और अभी जो है हमने यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दिया है। तो देन गाइस जैसे ही आप जो है सबमिट वाले आइकन पर क्लिक करेगा तो गाइस यहाँ पे जो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, और जैसे ही अगर आपका जो आधार सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया होगा, अपडेट हो गया होगा, यहाँ पे लिख देगा कि योर आधार हैज बीन जनरेटेड, ठीक है। अगर नहीं हुआ होगा यहाँ पे लिख देगा कि योर आधार हैज बीन अंडर प्रोसेस या प्रोसेसिंग लिख के आएगा, यहाँ पे लिख देगा प्रोसेसिंग। अगर आपका आधार सक्सेसफुली अपडेट हो गया तो यहाँ पे लिख देगा कि योर आधार हैज बीन जनरेटेड, ठीक है। तो गाइस आप जो है इस तरह से जो अपने आधार कार्ड का अपडेट स्टेटस चेक कर पाएंगे, और अगर कभी कभी जो आधार कार्ड का सर्वर डाउन रहता है तो नहीं बताता तो आप 2-4 बार ट्राई करेगा तो आपका जो है यहाँ पे बता देगा, उस टाइम पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। तो मिलते हैं अपने इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।